मैंने बाणगंगा से अपनी यात्रा शुरू करी है। जय माता दी। दी हेलो दोस्त, मैं दिखे बाणगंगा से बढ़कर के चरण पादुका के करीब आ गई हूँ। अब चरण पादुका पहुँच रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए रेस्ट लिया है। आराम आराम से चल रहे हैं। जय माता दी बोलते जाओ आगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए फ्रेंड्स, मैं चरण पादुका पहुंच चुकी हूँ। माता नीचे बाणगंगा से चढ़ाई चढ़ते चढ़ते चरण पादुका आ चुकी हूँ। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। आज कुमारी पहुंच चुके हैं। अब ये हिमकोटी वाले रास्ते पे हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन बहुत भीड़ है। इस वजह मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, वो बैटरी वाली गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग की भीड़ है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे पैदल ही चलेंगे। ये हिमकोटी वाले रास्ते, ये हिमकोटी का रास्ता जो है 5.5 किलोमीटर है, ये भवन के रास्ते तक हमको पहुंचाएगा। और जो हाथी मत्ता वाला रास्ता है वो 6.5 किलोमीटर है। अब हम लोग इसी रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए माता के दरबार तक पहुँचेंगे। जय माता दी। Yes. देखो माता धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं माता के भवन की ओर। हेलो गाइस, देखिए बस माता का भवन थोड़ी दूर रह गया है। हम लोग जय माता दी बोलते जा रहे हैं। जय माता दी। आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। बढ़िया एंजॉय करते हैं। देखो दोस्तों, भवन दिखाई देने लगा है और हम लोग भवन के बहुत करीब आ गए हैं। हम लोग भवन के बहुत करीब आ गए हैं। बस जय माता दी बोलते जाइए। जय माता दी। और आगे बढ़ते जाइए। जय माता दी। जब माता का बुलावा होता है तभी लोग आ पाते हैं। हम लोग दर्शन कर चुके हैं माता के, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। अब हम लोग ने भैरव जी में बहुत भीड़ थी तो हम लोग ने यहीं से हाथ जोड़ लिए भैरव जी के, और अब हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि ट्रॉली का समय भी खत्म हो रहा था। 4:30 बजे ट्रॉली बंद हो जाती है। 5 बजे 5 बजे ट्रॉली बंद हो जाती है। तो हम लोग भैरव जी में बहुत भीड़ है, बहुत लोग जा रहे हैं, तो हम लोग अब वापसी के लिए निकल लिए माता के। तो हम लोग देखिए यात्रा करके आ चुके हैं माता के दर्शन करके। अब हम लोग रात में आकर के यहाँ होटल में रेस्ट किए क्योंकि बहुत थक गए थे। अब हम लोग जम्मू के लिए निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है।